देखिए कैसे निकाल रहा अपने आप को। अरे 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 वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं गाइस और गुड मॉर्निंग। अभी अभी हम उठे हैं और चलिए हम मेरे घर बगल जो खेत सब उस आप लोग को दिखाने वाले हैं। और आजकल का धान रोपाई होने वाला है, बहुत तरह कोई धान रोप रहा है और साथ ही साथ एक ट्रैक्टर फंसा हुआ है ना धान रोपने के क्रम में, तो फंस गया है तो उसी को निकाल रहा है। तीन चार दिन से नहीं हो पा रहा है तो चलिए हम दिखाने वाले हैं, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर खेत है, सबको देखिए बहुत सुंदर है, बहुत रोप रहा है यहाँ पर। ये रहा पानी एकदम छल छला से है, मस्त टेप का लग रहा है। दो चार दिन से बारिश करके एकदम सुंदर हो गया है और यही डूबा में हम नहाते हैं। ये रहा मस्त टाइप का है। अभी सुबह का 8 बज रहा है, सब इधर रोपा शुरू नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, एक दो तो खत्म हो गया, ये रोपने वाला है। बगल गांव का यह है, बगल का नहीं हम लोग का गांव का ही ये खेत है जिसमें रोप रहा है। इसमें लगा है भिंडी सब। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अभी दो चार खेत में यहाँ रोपने शुरू नहीं हुए क्योंकि जोरदार बारिश चल रहा था फिलहाल के लिए, और हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच कर हम दिखाते हैं अगर निकाला कि नहीं निकाला और किधर से निकाल रहे हैं। आज डोजर लाया है तो निकल गया होगा तो ब्लॉग बनेगा, और नहीं निकला है तो ब्लॉग बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं इधर से। तो यही है दोस्तों, ये फंस गया है ट्रैक्टर और बुरी तरह जख्मी हो चुका है एकदम उसका चक्का। दिखाते हैं अभी आप लोग, खतरनाक दो संडे से यह फंसा हुआ है। ये रहा तो देख सकते हैं कितना बुरी तरह यहाँ जख्मी हो चुका है ना। डोजर भी फंस चुका था और क्या बोलते हैं ट्रैक्टर भी फंस चुका है एकदम संडे से, इतवार से फंसा हुआ है। और देखिए किस तरह हर तरफ इधर फंस के एकदम उधर इधर होकर पूरा खेत को बिगाड़ दिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना बुरी तरह संडे से पूरी तरह से फंस चुका है। डोजर लट जो ये है ड्राइवर लोग तो परेशान है, वो सब भी नहीं तक पा रहा है। ये जब आप देख सकते हैं ये डोजर लगा है जो इधर बहुत फंस गया था, इधर भी इतना दलदल है यहाँ सब में। अब देखते हैं आज ये ट्रैक्टर निकल पाता है या नहीं, है ना। आज निकलेगा तो अच्छा है। चलिए अभी तो डोजर ही निकल रहा है अपने आप में। Thank you.
देखिए कैसे निकाल रहा अपने आप को। अरे 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 दोनों ड्राइवर और खासी पूरा मेहनत कर रहे हैं, देख सकते कैसे उठा रहा, देखिए दही मगरमच्छ की तरह रेंगता रेंगता रेंग रेंग के एकदम निकल रहा है ना, देखते हैं क्या होता है। पूरा पानी भर चुका है, अब देखते हैं निकल पाता है नहीं, देख सकते हैं ये रहा पूरा पानी भर गया है। अब ट्रैक्टर जा रहा है वो साइड है ना, तो निकालना इधर है, और ट्रैक्टर वो फंसा हुआ है, पता नहीं इधर साइड से निकालेगा कि किधर से। डोजर का दिशा देखिए गाइस, डोजर का दिशा हम उधर थे लेकिन डोजर यहाँ था, देखिए इधर का कहाँ मुड़ गया, देख सकते हैं आप लोग कहाँ से कहाँ मुड़ गया है, बहुत खतरनाक फंस गया है लेकिन। और डोजर ट्रैक्टर निकाल के निकालेगा या डोजर अपने आप को निकालेगा, देखें और तेरी
तो दोस्तों थोड़ा बहुत निकल चुका है ट्रैक्टर और अभी रस्सी बांधने को कह रहा है क्योंकि थोड़ा निकल गया है ना। अगर जो लोहा वाला चक्का में अगर हुक करके अगर ये करेगा ना निकालेगा ना तो हो सकता है टूट सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा दोस्त उधर दूर में देख रहा है ना, दूर से उसी का खेत है ये वाला उसी का खेत है और पूरा परेशान है, दूर से देख रहा है, नज़र रख रहा है ना। फाइन तो लगाएगा शायद हमको लग रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब ट्रैक्टर भी उठ गया है, उठ गया बोल रहे हैं, ट्रैक्टर भी चालू हो गया है। अब बंद कर दिया। चलिए दोस्तों कुछ हद तक निकल चुका है यहाँ पे, डीजल यहाँ ख़त्म हो चुका है जेसीबी का और ट्रैक्टर है कि
उसको भी कुछ कुछ फंस गया है, लेकिन निकलने का प्रयास तो है, जारी है। सब कोई खाना वाना खाने के चल गया, अब क्या करेगा, और तेल भी ख़त्म हो चुका है, तो चलते हैं हम भी खाना वाना खा के आते हैं। अब देखते हैं ये निकल पाता है नहीं निकल पाता आज, तो चलिए हम चलते हैं। अगर खाना खाने से पहले अगर ये सब निकल गया तो अच्छा है, खाना खाने के बाद अगर नहीं निकलता है तो अगला दिन, क्योंकि पानी इधर बहुत जम गया, इधर बहुत सारा पानी जा रहा है, पूरा नुकसान हो गया इधर पूरा। इधर 2-3 फीट इधर गड्ढा हो गया सब तरफ। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, खाना वाना खा के आते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर हो पाया तो ठीक है, अगर निकाल दिया तो अच्छा है, उसके बाद हम लोग यही एंड करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं खाने की ओर, खाना खाने की ओर। चलिए दूसरा अटेम्प्ट है, और अभी निकलेगा नहीं निकलेगा अब देखना है ना, तो हम दिखाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे शुरुआत तो क्या देखिए, रस्सी टूट गया बाबा, रस्सी टूट गया, रस्सी एक करी तो Thank you.
चलिए दोस्तों, कुछ हद तक तो निकल चुका है ना जेसीबी और ट्रैक्टर। अब आगे निकल पाता है नहीं निकल पाता है, अब रास्ता निकलने का तो दिख नहीं रहा है कि किधर से निकालेगा। अब देखते हैं कुछ बीच, जब लोग देख सकते हैं वहाँ पे बीच जगह से यहाँ किनारे तक ले आया है। आप लोग देख सकते हैं बहुत मशक्कत करने के बाद बीच में डीजल ख़त्म हो गया था, तो भर के दोबारा अभी चला रहा है। बहुत दिक्कत, पूरा बलुआ इलाका है ये चीज। पूरा वहाँ 2-3 फीट गड्ढा हो चुका है सब, तो वहाँ तो 5 फीट गड्ढा हो गया है। तो अभी भी जारी है निकालने का। तेरी खतरनाक, ये तो और घुस रहा है गाइस।
खतरनाक घुस रहा है।
चलेगा जब निकल सकता होगा शायद, क्योंकि अभी बारिश भी कर रहा है और जब बारिश कर दिया तो नहीं निकलने वाला है, तो शायद निकल सकता है मेरे ख्याल से। ट्रैक्टर तो निकल चुका है लेकिन जैसे भी फंस गया है वही निकल रहा है, अब पानी निकल रहा था अब चल गया पानी भी। तो चलिए गाइस, ट्रैक्टर और जेसीबी भी निकल चुका था, हम लोग चलते हैं घर की ओर, आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, बहुत मुशक्कत के बाद निकल गया है, तो आज के लिए हम चलते हैं घर की ओर। ठीक है गाइस, बाय।